एक नबी खुदा की बारगाह में इबलीस आया। नबी खुदा ने पूछा, इबलीस ये बता कि तू लोगों को गुमराह कैसे करता है? सर, एक तरफ तू है जिसका काम है गुमराह करना, एक तरफ हम सब हैं जिनका काम है लोगों को हिदायत देना, सीधे रास्ते पर ले आना। हमारी एक तवील फहरिस्त है 1,24,000 की मसलन, लेकिन इतनी कोशिश करने के बाद दिन भर रात भर सफ़र हज़र हर तरह की परेशानी, किसी के हिस्से में 10 आए, किसी के हिस्से में 20 आए, किसी के हिस्से में 100 आए, और एक रतू अकेला है जिसकी फौजों का कोई शुमार ही नहीं, उसके साथियों का कोई हिसाब ही नहीं है। आखिर बात क्या है कि तू इतनी जल्दी कामयाब हो जाता है और हम लोगों की मुहिम कामयाब नहीं होती? जाहिर है कि बात बहुत खुली हुई है कि जो हमारा आपका मुकाबला चल रहा है तो वो कौन सा मुकाबला करने वाला अहमक होगा जो अपनी तरकीब दुश्मन को बता देगा। आपका काम है हिदायत करना, हमारा काम है गुमराह करना। ना आप अपनी तरकीब हमको बताएंगे, ना हम अपनी तरकीब आपको बताएंगे। मुकाबले की शान यही, अपने अपने हिसाब में लगे रहें, अपना अपना काम करते रहें, कोई ना कोई तो कामयाब होगा, या आप कामयाब होंगे या हम कामयाब होंगे। कहीं आखिर ये मालूम हो जाए कि आखिर तू इतनी जल्दी कामयाब कैसे हो जाता है और हमारी मुहिम कामयाब क्यों नहीं होती? उसे कहा, मुझे बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसलिए बता देता हूँ कि मेरे बता देने के बाद भी मेरा कुछ बिगड़ नहीं सकता है। जो मेरे हैं वो टूट नहीं सकते हैं, वो आप ही वाले हैं जो टूट टूट के चले आते हैं। क्या कह कि मालूम तो हो जाए कि आखिर करता क्या है? तो उसने कहा, बहुत छोटी सी बात है, जब इंसान किसी बुराई का इरादा करता है तो मैं बुराई को इतना आसान बना देता हूँ कि इंसान को सोचना ही नहीं पड़ता। क्या कहना है? आप लोगों को समझाते हैं मुसलमान मोमिन, मोमिन की ज़िंदगी की कीमत, मोमिन की आबरू की कीमत, मोमिन के माल की अहमियत, मोमिन के एक एक कतरे खून की अहमियत, मोमिन की इतना ज़ोर लगाया ताकि मोमिन की अहमियत मालूम हो जाए और इंसान सोचे कि मोमिन का एक कतरा खून बहा देना, अगर रोज़ क़यामत ऐसा हिसाब चाहता है जो कोई इंसान नहीं दे सकता, तो खुदा न खास्ता अगर मोमिन का गला कट गया तो क्या होगा? मैं उसको समझाता हूँ, क्या रिवाल्वर तुम्हारे हाथ में है? खाली ज़रा सा एक बटन को हिला देने की देर। अब आप समझाते रहिए मोमिन का कतरे खून, मोमिन की ज़िंदगी, मोमिन की अहमियत, दियत, कफारा। मैंने कहा, कोई काम ही नहीं, कौन सा बड़ा काम है? मर्द हो के, हिम्मत वाला हो के, कुव्वत बाजू रखने वाला एक उंगली नहीं रह सकता है। और देखो ये क्या कह रहा है तुमको, तुम्हें तो मालूम नहीं इसने क्या क्या तुम्हें कहा है। अब इतना तैयार कर दिया कि बिलाखिर उंगली को जुम्बिश हो ही गई। आपकी बरसहा बरस की सारी मेहनत एक तरफ और मेरा एक इशारा एक तरफ। मैंने फकत ये तवज्जो दिला दी कि ये काम कोई बड़ा काम नहीं, ये कौन सा बड़ा काम है? नामहरम सामने जा रहा है, आँख खोलने में क्या तकलीफ है? कौन सी क़यामत आ जाएगी? और आँख तो खुली है, बंद करने की क्या जरूरत है? जब खुदा ने आँख दी है, अगर बंद करना ही होता पहले से अंधा बनाया होता। खुदा ने आग दी, उसको कोई मसरफ होना चाहिए, मसरफ है। मैंने समझा दिया और सबकी समझ में आ गया। अब आप समझाते रहे, हया शर्म गैरत इज्जत इफ़त आबरू कौन समझेगा? लिहाजा मेरा पहला काम यह है कि मैं लोगों के निगाहों में गुनाह को इतना आसान बना देता हूँ कि आदमी को गुनाह करने में कोई तकलीफ ही नहीं होती, ख्याल ही नहीं होता मैंने कोई गुनाह किया।